अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका अपना एसएम कुरैशी एसएम क्यू फन टीवी की जानिब से। आज हम जिस शख्सियत का आपको तारुफ कराने चले हैं वो किसी नाम के मोहताज नहीं, उनका बहुत बड़ा नाम है। आज मैं उन्हीं के सेट पर खड़ा हुआ हूँ, मौजूद हूँ, उनकी फिल्म की शूटिंग है फूती कंडक्टर। उनका तारुफ यह है कि पीपी गोल्ड में पहली फिल्म देने वाले सदीक उज्जैन साहब, और आज हम बहावलपुर में एक आउटडोर सेट पर मौजूद हैं जहां उनकी फिल्म की शूटिंग है और उसमें मैं खुद भी परफॉर्म कर रहा हूं। तो मैं गुजारिश करूंगा सदीक उज्जैन साहब से कि वो ज़रा सेट पर तशरीफ। सदीक उज्जैन साहब, ये है जी मुल्क के नामवर डायरेक्टर राइटर सदीक उज्जैन साहब। बहुत से बड़े बड़े फनकारों को इन्होंने मुतारफ कराया, बल्कि इनकी एक सीरियल भी चल चुकी है, बल्कि बाकी बातें हम इनकी ज़बानी खुद सुनते हैं क्योंकि हम तो जानते हैं लेकिन आप नहीं जानते। जी सदीक उज्जैन साहब, आप इस फील्ड में कब आए, क्यों आए, किसको देख कर आए, आपने ये काम कैसे शुरू? तो बहुत सारे सवाल हैं, इनके अगर जवाब दो तो टाइम नहीं है, शॉर्ट कर दे दें आप। भाई आपने सवाल किया है कि सराइकी में दूँ या उर्दू में? आप सराइकी में दें, पंजाबी में दें, क्योंकि आप आर्टिस्टों के भाई बादशाह हैं। भाई मैं तो सराइकी से दसा दे रहा हूँ। जी जी, आप मकसद है कि मैं फील्ड में आके भी कढ़ाण तो आया। 1994-95 फील्ड में आया, तकरीबन 27 साल की है। स्टेज ड्रामे, म्यूजिकल शो ये अस कराची करें से जहूर मलिक साहब, क्योंकि स्टेज ड्रामे का आगाज उन्होंने किया है नाने में नाल उन्होंने। उन्हें बाद अस जल्द मेरे जहन चाहिए कि सराय की फिल्म होनी चाहिए। असा फिल्म बन सी उस टाइम आउटडोर काम होसी, अस अपना कल्चर दिखेसूँ, अपनी सकाफत, असा दे इलाके जा महरूम या सब तो पहले तो मैं अपने इलाके जा महरूम या दिखावन चाहंदा हूं कि में असा दे इलाके दे क्या होनी चाहिए, हुकूमत तक, आवाम तक, सियासतदान तक पुजावन चाहंदा हूं। वो है कि जिमें असा पुल का बड़ा इशू है, कोट मिठन को चाचना शरीफ जहर पीर वाला रस्ता है जी। तकरीबन ये जरा दरिया का पेटा है वो 10-11 किलोमीटर का है, उनको क्लोज थिया वने और वो जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने अपनी सकाफत को जो है ना। हाँ जी, मैं फिर ये फिल्म का आगाज़ किया, पहली सराय की टेली फिल्म जो थी रोई दी रानी आयशा खान से हुई, आयशा खान जो शमू बनी और वहाँ से आगाज़ किया। उसमें यही बड़ा इशू उठाया था बेड़ी डुबा सराकी चाखा उनको बेड़ी को बुढ़ाते इशू चाहता से कि ये पुल होनी चाहिए, अगर ये पुल ना हो सकता इवें हादसे थी नरा से तरक्याती कम होने चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह पुल बन गई है बेनजीर से बनाते। और एक ब्याह उन्हें इशू चाहता है कि सुख साली जेड़े रूही थे लोग कि उठते हैं, क्यों उठते हैं, क्या मजबूरियां वो है पानी। उन्हें उत्ते मैं फिल्म बनाई है, ये इशू है मेरे दो इशू ने फिल्म में दूजा साढ़े छोटे लादे उन्हें तो कई इशू हैं वो फिल्म में। बहरहाल वो अच्छी चली, टीपी गोल दे आखान शाह साहब, हसन शाह साहब एक कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने आके सराइकी, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, पख्तून, बलोची, बिरोही, मारवाड़ी जितनी जबानें पहली फिल्म बन चुके हैं उन्हें सब तो ज़्यादा चलाने वाली सराइकी फिल्म रोही दी रानी। उसके बाद काफ़ी फिल्म बनाने से इसलिए अच्छा फैमिली फिल्म बनाने से, और जिन्हें बच्चे रोही दी रानी है, बोछण है, कूंज है, कमली है, अल्लाह वसाई, समीरावल, पहाज, नाजो, जतवाल, फूती, चंद वसाद, जोगन मेडा, शितु किलो, नंबरदार, मामा बड़ेजा, रक्षा वाला, लाल कुंवर, काफ़ी सारे 27 फिल्म मैं बनाई मिट्टी सामने। आजकल एक मेरी फिल्म ई टाइम अरसा 10 साल छोड़ गया से काम, सीजन का दौर ख़त्म थी गया, और यूट्यूब से काम आंदा पे तो मैं एक फिल्म बनाई है फूती कंडक्टर, आवाम दी
मेहरबानी है, इनको बड़ा लाइक करें दे पेन देखते पेन। और मैं ये भी आखसा इन आवाम की हौसला अफजाई के नाल मैं इन फिल्म को वाल अगर तोरे एक दह किस्त देखे आया। दो किस्त आवाम देख दी देन इन बाकी अठ किस्त जिन जे फनकार पहले सोया बलोच माजिद मूल शकपुती जैको आखते हैं, पप्पू शाह जैको नूरा पौली आखते हैं, मुख्तियार कोडुए और हाजी अनवर और हसन पहलवान है, बिलाल खावर पठान जैको आखते हैं, और बे भी काफ़ी सारे हैं कुछ गुलकार हैं अगे तो दूजी के त्रीजी वाल मिठी उन अफशाह अपनी अफशाह है, दूजी उन आसमा सियाल है और मेरी पुरानी पहली शागिर शमो भी है और रानिया मलिक भी है, सवेरा खान तमाम ये आर्टिस्ट जिमें जिमें इन्हों का इशारा वेंदे और ये कम करे सिर वेंदे। वैसे सदीक हुसैन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप ये जो फिल्म के सेट पर खड़े हुए, इस फिल्म का नाम क्या है, इस फिल्म की कास्ट क्या है और ये कब तक मुकम्मल हो जाएगी? कुरैशी साहब, ये जो फिल्म है ना, ये किस्तों पे मैंने बनाई, इसकी 10 किस्तें, ये 6 घंटे की फिल्म है। अब 6 घंटे तो कोई नहीं देखता जी जी। इसको मैंने 2 किस्तें चल गई हैं, अब जो 8 किस्तें हैं बाकी जो भी टाइम रहता है उसमें 6 घंटों में पूरा करना है 8 किस्तें। वैसे सदीक हुसैन साहब, आपका बहुत बड़ा नाम है और आपके नाम पर ही फिल्म पहले ही बिक जाती है, तो आप कुछ आवाम को मैसेज देना चाहेंगे एक्टिंग के हवाले से या फिल्म के हवाले से या कल्चर के हवाले से? मैं कहूँगा, मैंने जब काम किया ना मैंने कोई पैसा कमाया है और ना ही पैसों के लिए काम किया, मैंने तो अपनी धरती के लिए काम किया, अपने वसीब के लिए काम किया, अपने अपनी सकाफत के लिए काम किया है शुरू से। जी जी, शुरू से मेरा यही जहन था, ये मेरा हक बनता है अपने इलाके की महरूमियाँ, अपने इलाके के कल्चर, जैसे कि चुलिस्तान का ख़ास, मैं चुलिस्तानी हूँ रोई दा बन्ना, तो इस तरह ये जड़ा कल्चर है मैं आवाम को तक पुजाए और ख़ास कर साडा रोई दा कल्चर बहुत अच्छा कल्चर है। और मैं जितना भी फिल्में बने एक चीज़ का मेरे को फख्र है और मैं वल आखसा कि जो मैं कम किते मैं मुकम्मल फैमिली काम की, इन उत्ते कोई उंगल नहीं खड़ा कर सकता, जो भी आखें जीवें भी आखें मैं मुकम्मल फैमिली काम की, भेड़ी बिराल देखें बेटे कट्ठे तो कोई इन परेशानी ना से इंशाल्लाह मेरे काम। थैंक यू, शुक्रिया सदीक हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।